एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति को कैमरे में कैद करके सरकार तक पहुंचाने के सफर में एबीपीएस न्यूज की टीम जिला बुलंदशहर के कुमरौआ गांव पहुंची। इस गांव में ममता ग्राम प्रधान के पद पर हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम विकास के कार्य कराए हैं, जिनमें रास्ते हैं, आवास है, शौचालय है और तमाम ऐसे कार्य जो गाँव के विकास में चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार से इसकी मांग है कि स्कूल की बाउंड्री होनी है, नाला बनना है, सौर ऊर्जा की लाइटें लगनी है, गांव में कच्चे रास्ते पर इंटरलॉकिंग का काम होना है, पंचायत घर बनना है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था भी यहां नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की अगर बात करें तो अभी 15 ऐसे लोग और बचे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है, उन्हें आवास भी दिए जाने चाहिए। सरकार से मांग की गई है कि जिन चीजों की गांव में आवश्यकता है तत्काल गांव के लोगों को दे दी जाए ताकि गांव का विकास हो सके। खास तौर पर ग्राम प्रधान का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र यहां के लिए अति आवश्यक है, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सरकार कर दे तो गांव के लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। ग्राम प्रधान राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को ग्राम में क्रियान्वित किया जा रहा है। सड़कों में सुधार, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, शौचालयों का विकास और क्या क्या तेजी से चलता ही रहेगा। आवास की जरूरत है गांव के अंदर और पंचायत घर की आवश्यकता है और स्कूल की सुविधाओं की आवश्यकता है। हम लोग ग्राम प्रधानों का जो मानदेय 3500 रुपये दिया जा रहा है, हम लोगों की मांग है कि उस मानदेय को लगभग 10,000 रुपये प्रति माह किया जाए।